नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ तरबूज धान के लिए, क्योंकि उसको है ना तरबूज अच्छा लगता है खाना, और वैसे तो उसको सारे ही फल पसंद है। फल वो ज़्यादा खाता है, खाना वो खाता नहीं है। तो अच्छा है कि ये तरबूज खाता है, क्योंकि इससे है ना पानी वाले फल खाना अच्छा रहता है। गर्मी में पानी की कमी नहीं हो पाती है तो ये खा लेता है, और अंगूर वगैरह भी खा लेता है। बस ये है ना खरबूजा नहीं खाएगा, और जैसे पपीता नहीं खाएगा, तो ये कुछ फल नहीं खाता है, बाकी तो नॉर्मली सभी खा लेता है। तो यहाँ पर मैं काट के दे रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर में ले लेके वो खाता रहेगा। और यहाँ पर तरबूज मैं अपने देसी तरीके से काट रही हूँ, हसिया से काट रही हूँ, और मैं बहुत कम्फर्ट हूँ इससे काटने में। सब्जी वगैरह में बहुत जल्दी काट लेती हूँ, क्योंकि आदत है, शुरू से ही काटते आ रहे हैं। मम्मी भी काटती थी, सासू माँ भी इसी से काटती थी, तो मुझे भी आदत है, मैं भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं गैस काउंटर पर खड़े होकर सब्जी काटती हूँ ना, तब मुझे चाकू का ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि यदि इसका यूज करना है तो हमें बैठना पड़ेगा। इसको पैर से दबा कर ही काट पाते हैं ना, तो बैठ कर ही बनता है। तो कोई नहीं, मैं तो चाकू से भी काट लेती हूँ, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए, ये बोल रहा है ना कि मैं यहाँ से नहीं खाऊंगा, पापा के यहाँ से खाऊंगा, और प्लेट भारी हो गई है तो उठाती नहीं बन रही, तो मैं ले जाके रख दे रही हूँ वहाँ पर। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर है ना बहुत शोर हो रहा है। विधान ने टीवी चला रखी है, और बाजू में है ना सुंदरकांड भी हो रहा है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा इसको। तो अभी है ना मिली राजदीप आए हुए हैं घर पर, और राजदीप ने नहा लिया है, पूजा कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है इमली का ढेर, तो गांव से आई है इमली, और मुझे इनको है ना इनके छिलके उतार के, इनके वो रेसे होते हैं ना वो भी अलग करके, और बीज अलग करके सुखा के रखना है, मुझे स्टोर करना है साल भर के लिए। तो बस वही काम यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो मैं क्या सोच रही थी कि इनके छिलके और बीज वगैरह निकाल दूंगी, और उसके बाद फिर अच्छे से धूप लगा के, और फिर मैं रख दूंगी एयरटाइट डिब्बे में। लेकिन ये अभी ताजी आई है ना, नई है, तो ये गीली हैं, तो इनके बीज निकल नहीं रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी छिलके निकाल कर और फिर अच्छा धूप लगा दूंगी, और जब कड़क से हो जाएंगे ना तब आसानी से बीज निकल जाएंगे, तो फिर उस टाइम पर बीज निकाल के और फिर मैं रख दूंगी। तो फिर बस अब मैं यही कर रही हूँ कि ये छिलके निकाल दे रही हूँ और इनको फिर धूप लगाऊंगी। और कोई मेरी हेल्प कराना चाहे ना, तो बधान की वजह से करा नहीं सकता है, मतलब कोई कुछ काम करेगा तो ये पीछे जरूर पड़ जाएगा। अभी ये देखिए इसको परेशान कर रहा है ना, तो उसको नहीं करने दे रहा है काम, और फिर उसने जैसे भगा दिया तो मेरे पास आ गया। बस ये है ना आगे पीछे घूमता रहेगा। तो अभी है ना मैं इमली के सारे छिलके निकाल लूंगी, और साथ ही साथ मुझे मिर्ची को धूप लगाना है और किशमिश को। तो मैं सभी चीज़ों को लेकर आ गई थी छत पर, और यहाँ पर है ना मैं खोल के डाल दे रही हूँ। बहुत तेज़ धूप है, तो बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगी। तो सारा कुछ डाल दिया था धूप में, और अभी फिर नीचे आई थी मैं, तो मैंने बनाया खाना पीना, और खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है मशीन, और यहाँ पर मैंने है ना सर्फ डाल दिया था पानी में, कपड़े डाल दिए हैं, और अच्छे से हिलाने के बाद मतलब अच्छे से ये उसमें मिल जाएंगे ना सर्फ वाले पानी में, तो फिर मैं छोड़ दूंगी थोड़ी देर फूलने के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से चलाऊंगी मशीन। तो यहाँ पर मशीन लगी रहेगी, और साथ ही साथ मुझे करना है थोड़ा सा काम, मतलब जो गर्म कपड़े हैं ना वो मुझे रखने हैं, तो इसलिए मैंने साथ में मशीन लगाई हुई है। क्योंकि है ना मशीन का काम ऐसा है कि आप मशीन का काम लगा दो और साथ ही साथ दूसरे काम भी करते रहो, क्योंकि वहाँ साथ में खड़े भी नहीं रहना पड़ता है, और हम मशीन को फिर छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो काम मशीन का भी लगा रहेगा, तो साथ ही साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गर्म कपड़े हैं ना वो मैंने इन कार्टून में भर के रख दिए थे, और सच बताऊँ तो ये काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, लेकिन इनको टेपिंग करके और मुझे पलंग पेटी में रखना है, तो वो काम बहुत दिन से डला हुआ है, हो नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली मैंने सोचा है कि मैं इनको रख ही दूँगी।
और होता भी है ना कि कभी कभी कोई काम हमारा अधूरा छूट जाता है तो वो फिर बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो कुछ ऐसा ही हो गया, एक तो मौसम ख़राब हुआ तो बीच में इनमें से कुछ कपड़े निकाले भी गए कि अभी ज़रूरत है तो फिर ये भी निकालो वो भी निकालो, तो ऐसे करके निकल गए थे। तो बिधान के कुछ ज़्यादा निकल गए थे तो वो मैंने दोबारा से रखे हैं। और फिर मेरा आना जाना भी कुछ बीच में होता रहा, गाँव में चली गई मैं एक दो बार, तो इस वजह से भी ये रखे रहे और मैं नहीं रख पाई थी इनको। और फिर ये भी था कि कार्टून में भरना, टेपिंग करना, ये सारे काम तो मैं कर लेती, लेकिन फिर जो पलंग पेटी में इनको रखना था ना, वो पलंग पेटी इतनी भारी है ना कि मेरे अकेले के बस की इसको खोलना लगाना नहीं है। तो इस वजह से भी मैं नहीं कर पा रही थी कि मुझे विधि के पापा की या किसी की ज़रूरत तो इसके लिए पड़ती ही। तो फिर वो काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा था क्योंकि उनको टाइम नहीं था। तो फिर जितना मुझसे बना मैंने करके रख दिया, लेकिन आज है ना मिली राजदीप आए थे तो उनकी हेल्प से है ना मैं अपना ये काम आज कर लूँगी। और फिर है ना कोई काम अधूरा पड़ा रहे ना आंखों के सामने तो फिर मुझे देख देख के उससे चिड़सी होने लगती है अपने आप से, मतलब कि मैं ये पढ़ा है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर तो मुझे इतना ज़रूरी लगता है वो काम कि उससे ज़रूरी फिर कुछ लगता ही नहीं है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, सबका नहीं, मैं तो अपना बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े सारे धुल गए थे, तो मैंने है ना ये जो मशीन में है ना सारा सामान, इसका जो सटक वगैरह है वो रख दिए हैं। और ये जो ड्रायर वाला होता है ना खंड, मैं उसमें रखती हूँ, ये जो सटक वगैरह है वो मैं उसमें रख देती हूँ, और जो बड़ा वाला खंड होता है उसमें से फिर स्टोर करने लगती हूँ गंदे कपड़े। मतलब मैंने सभी को बोल के रखा है कि जो बड़ा वाला जो खंड है उसमें डाल दिया करो जो भी कपड़े हैं, तो ढूंढना नहीं पड़ते हैं, जब ढूंढना होता है तो हमें एक साथ ही मिल जाते हैं सारे कपड़े। तो मैं आ गई हूँ अभी बेडरूम में, और ये जो मेरे पलंग पर है ना, बेड पर जो सारा सामान रखा हुआ है वो मैं रख दूंगी साइड वाली पलंग पेटी में। तो जो साइड में बिछी है वो भी पलंग पेटी है, और जो मेरा बेड है ना उसमें भी दोनों तरफ पेटियाँ हैं। और जो मेरे पलंग के गद्दे हैं ना वो इतने भारी हैं कि वो भी मुझसे नहीं उठाए जाते हैं। तो अभी मैंने है ना राजदीप को बुलाया है और वो हटवा देगा गद्दे भी, और फिर उसके बाद मैं हटाऊंगी पलाई। तो बस देखिए यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अकेले नहीं कर पाती, और गद्दे तो फिर भी मैं उल्टा सीधा करके रख भी लेती लेकिन पलाई तो नहीं हटा पाती। और बिधान का भी देखिए ये बिल्कुल भागता नहीं है, जहाँ पर काम करेंगे ना ये वहीं पर करेगा। मैं इसको छोड़ कर आई थी बाहर, ये पीछे से ही आ गया है फिर से, क्योंकि हम लोगों को है ना पिलाई हटानी थी। अब डर लग रहा था कि लग ना जाए, लेकिन वो सुनता कहाँ है। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग है ना पिलाई हटा ले रहे हैं अभी, और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको अच्छे से साफ़ किया था, ये पिलाई में धूप लगाई थी और अच्छे से पलंग पेटी साफ़ की थी। पर अभी खोला है ना तो अभी फिर उसमें कचड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू से यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, सारा कचड़ा निकाल दूंगी। और पहले मैं सोच रही थी कि ये पट्टिया शायद ना निकालना पड़े, मैं ऐसे ही लगा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं, पट्टिया भी निकालना ही पड़ा था तभी मैं जमा पाई थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, कचड़ा निकाल दे रही हूँ, और जो कचड़ा आजू बाजू लगा है ना वो मैं कपड़े से साफ़ कर दूंगी। मैंने अच्छे से कपड़े से सारा कचरा साफ कर दिया है, और देखिए कितना निकल रहा है, पता नहीं बंद रहने के बाद भी इतना कचरा कहाँ से आ जाता है इसमें। तो ये साफ़ कर दिया है, और अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक साड़ी थी पुरानी वो मैं यहाँ पर बिछा दे रही हूँ, क्योंकि इस वाले जो खंड में है ना मुझे रखनी है ये जो रजाइयाँ हैं वो सब रजाइयाँ कंबल वो सब मुझे रखना है। और जो दूसरा वाला खंड है बिछाना तो मुझे इसमें भी था, पर वो मुझे उस टाइम पर मिली नहीं। और फिर यहाँ पर मुझे कार्टून रखने थे तो बिना बिछाए भी चल जाता, इसलिए मैंने फिर रहने दिया। Thank you.
तो बिस्तर सारे जमा दिए हैं। अब जो बाजू वाला खंड है ना, उसमें सारे कार्टून भी जमा देंगे। और विधान का देखिए कितना खेल लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिली कर दे रही है टेपिंग सभी कार्टून की, और तब तक मैं अपना थोड़ा और काम निपटा लूंगी जो किचन में पड़ा हुआ है वो। तो कार्टून को अच्छे से पैक कर दिया था टेप से, और इसके बाद फिर कर दिए थे ये पट्टिया को सेट उनकी जगह पर, और अब रख रहे हैं प्लाई। तो ये जो पट्टियाँ हैं ना, इनको सेट करने में भी काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि ये है ना मिक्स हो जाते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी जगह का कौन सा है। तो इसको है ना चेक करके फिर हम लगाते हैं, तब कहीं जाकर ये सेट होते हैं। तो इनमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। और अब ये देखिए प्लाई को भी हम लोगों ने सेट कर दिया है अच्छे से, और अब बिछा देंगे गद्दा और फिर उसके बाद बिछा देंगे चादर। तो देखिए इस काम को करने में ना हम लोगों को दोपहर से सीधी शाम हो गई थी, बल्कि यूँ कहें कि रात ही हो गई थी। और लेकिन ये है कि हाँ काम हो गया, जो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था वो अच्छे से हो गया था। और शायद मैंने इस तरह से अपना कोई काम पहली बार ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट सच यही है कि एक हाउसवाइफ के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक लगे ही रहते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। यदि तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो हमारे ही काम पेंडिंग हो के बहुत सारे हो जाते हैं और करना हमें ही पड़ता है। तो इस तरह से है ना मेरे भी काम लगे रहते हैं, बस ये है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, मैं कैमरा लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो फिर परेशान होती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जल्दी मेरा काम ही हो जाए। तो फाइनली यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, अच्छे से सेट कर दिया है। और बीच बीच में जो भी और काम फैला हुआ था ना, वो भी मैं जाके करती रही हूँ, तो अभी सारा काम हो गया है। देखिए जी, मेहनत तो लगती है, हम कोई भी काम करते हैं तो, लेकिन जो काम होने की खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है, और वो हम हाउसवाइफ ही महसूस कर सकती हैं, जैसा कि इस टाइम पर मैं कर रही थी। काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ काम जब हो गया था ना, तो बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे। और अभी यहाँ पर विधान को आप देखिए, यहाँ से सीधा जाएगा और पलंग पर चढ़ेगा, क्योंकि इसने देखा है ना कि अभी काम करके फ्री हुए हैं, तो अब फैलाना कैसे है ये बहुत अच्छे से जानता है। तो ये अपना काम कर रहा है यहाँ पर, और अभी हम लोग बैठकर है ना चाय नाश्ता कर रहे हैं, विधि खा रही है खाना।
तो चलिए इस सुकून वाली चाय के साथ ही वीडियो को एंड कर देते हैं। अब इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना पीना, तो ये काम तो लगा ही रहेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते, उसमें तो कुछ भी नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। बाय।